हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपके होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स पर दिल से वेलकम करती हूँ। मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज का शिफ्ट जानते हैं गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। गाइज, आज हम हमारी फेमिनिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप जिस भी पर्सन के बारे में राइट नाउ सोच रहे हो उन पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज क्या हैं और 3D लेवल पर आप लोग क्या एक दूसरे के लिए थॉट्स एंड फीलिंग्स रखते हैं और 5D लेवल पर आपके पर्सन की क्या आपको लेकर इमेजिनेशन है, क्या ऑब्स्टेकल है आप दोनों के कनेक्शन को आगे बढ़ने से जो रोक रहा है, क्या करना चाहिए, और फिर फाइनली अगर वो ऑब्स्टेकल को आप दूर कर दोगे तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में डिस्कस करेंगे गाइस। सबसे पहले हमारे फेमिनिन्स की एनर्जीज जानते हैं, तो यहाँ पर दो एनर्जीज आई हैं। ये करंट ओवरऑल एनर्जीज और 3D लेवल पर जो हमारी फेमिनिन्स की एनर्जीज जो आजकल चल रही हैं, जैसे ये अपने आप को शो कर रही हैं, वो हैं गाइस। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन और प्लेफुलनेस, तो यहाँ पर एक्चुअली करंट ओवरऑल एनर्जीज हमारी जो फेमिनिन्स की आजकल जो बनी हुई है, इट इज़ ऑल अबाउट द यिन एंड यांग एनर्जीज। तो इनके अंदर एक ऐसा बैलेंस अभी आ चुका है कि ये अब सारी चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देख रही हैं। जैसे कि अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन है, ये उस सिचुएशन को जब खुश रहेंगी तब कैसे देखेंगी या फिर जब सैड रहेंगी तब कैसे देखेंगी, ये दोनों तरीकों से देखने की इनमें एक मैच्योरिटी आ गई है, हर चीज को बैलेंस्ड वे में परखने की मैच्योरिटी आ गई है। ये सब कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ में कह सकती हूँ गाइज। यहाँ पर हमारी जो भी सेट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स हैं, जो भी DF वाली एनर्जीज में है, तो यहाँ पर आप में एक इंटीग्रेशन आ गया है गाइज। आप में वो बैलेंस एक्सट्रीम्स में देखने का, यानी कि एक्सट्रीम्स गुड या फिर एक्सट्रीम बैड, एक्सट्रीम पॉजिटिव, एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, ओके। तो जस्ट लाइक दैट आपने इतनी मैच्योरिटी हासिल कर ली है ड्यू टू द कॉन्सिक्वेंसेस या फिर सिचुएशंस आपकी लाइफ में, जो भी जिस वे में भी आप डील कर चुके हो हर चीज़ को, भले ही वो आपके मैस्कुलिन की एनर्जीज के साथ हो या फिर आपकी लाइफ में दूसरे कार्मिक सिचुएशंस थे या फिर जो भी है आपकी लाइफ में, वहाँ से आपने एक खुद को बैलेंस्ड वे में ग्रो किया है। तो अब आपको पता है कि कौन सी सिचुएशन किस वे में कैसे प्रोसीड हो सकती है अकॉर्डिंगली, तो उस वे में आप चलने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पर मोस्टली एक जो भी कनेक्शन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यहाँ पर आप बिल्कुल ही प्लेफुलनेस में आ गए हो। यानी कि अगर सामने वाला कोई कमिटमेंट नहीं दे रहा है, फाइन, सामने वाला कुछ एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, फाइन, बट आपको सब पता है, आपने वो मैच्योरिटी लेवल हासिल कर लिया है कि वो क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, आपको सब पता है। मतलब उनको आप एक काइंड ऑफ मिरर की तरह आप देख रहे हो, उनको बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट वे में जाकर आप उनके माइंड को रीड कर रहे हो, उनके बिहेवियर्स को आप रीड आउट कर पा रहे हो। दैट्स सो ब्यूटीफुल। ये मैं कह सकती हूँ गाइज, आपके अंदर ये टाइम के साथ आया है। आपने भी बहुत सारी सिचुएशंस को फेस किया है, बहुत ज़्यादा पेन उठाया है, तब जाकर ये मैच्योरिटी लेवल आप अचीव कर पाए हो। अब आप सामने वाले को अच्छे से समझ सकते हो कि व्हाट ही वांट्स एंड हाउ ही इज रिएक्टिंग। आप एक चुटकी में उसको भांप रहे हो, चुटकी में उसके सारे एक्ट्स को आप परख रहे हो, जो कि ये टाइम के साथ आप में मैच्योरिटी लेवल आ गया है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ, 3D लेवल पर आप इस पर्सन के साथ इस वे में बने हुए हो कि अगर आप मुझे कमिटमेंट नहीं देते हो, फाइन, अगर आप कुछ एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, इस रिलेशनशिप को क्लैरिफाई नहीं करना चाहते हो, दैट इज आल्सो फाइन, मेरा जो बनता है मैं आपको वो दूंगी या दूंगा, ओके। मेरी तरफ से जो भी अनकंडीशनल वे में आपको मिलना है वो मिलता रहेगा, क्योंकि आई नो हु आर यू टू मी, ओके। तो मुझे पता है कि आप मेरे लिए मेरे ट्विन फ्लेम हो और आई एम दैट पर्सन हु हैव रीच्ड दैट लेवल जहां
पर एक अनकंडीशनल लव या फिर अनकंडीशनल वे पर इमोशंस शेयर किए जाते हैं, भले ही वो 3D लेवल हो या 5D लेवल हो, यहाँ पर आप में वो बैलेंस आ गया है गाइज। अगर ये मैं ऐसे भी कहूँ कि 3D लेवल और 5D लेवल आप दोनों का उस वे में मैच होता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा लाइक हाईएस्ट काइंड ऑफ ग्रोथ है, एक मैच्योरिटी है आपकी सोल की, जो कि आप चीजों को बहुत ही बैलेंस्ड वे में समझ पा रहे हो। इसीलिए आपने अपने पर्सन को एक काइंड ऑफ फ्री एंड पर रख दिया है कि व्हाटएवर यू वांट टू डू यू कैन डू, फाइन, मुझे जो करना है वो मैं करता रहूंगा, करती रहूंगी, और आपको जो मिलना है, आप जो डिजर्व करते हो इस कनेक्शन से या फिर इस रिलेशनशिप से, वो आपको मिलेगा। ऑलराइट, तो ये सारी एनर्जीज में मुझे आप नजर आ रहे हो, जैसे कि प्लेफुलनेस का मतलब ये है कि सामने वाला जैसे बिहेव करेगा, सामने वाला जो चाहेगा, आप मेरे फ्रेंड बनकर रहो फाइन, आप मेरे लवर बनकर रहो फाइन। तो आप एक ऐसे मूड में हैं ऑन अ 3D लेवल, सामने वाला जो कहेगा बस उसको हैप्पीली एक्सेप्ट करते जाओ, लव है, केयर है, और जो भी आप इन्हें अपने एंड से देना चाहते हो वो आप अनकंडीशनल वे पर इन्हें देते जा रहे हो। ओके, तो ये सारी एनर्जीज के चलते आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, यहाँ पर मैं मैस्कुलिन की एनर्जीज पिक कर रही हूँ। यहाँ पर एनर्जीज आई हैं द आउटसाइडर एंड आइसोलेशन। तो मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, ये आपके लव के सामने, आपकी मैच्योरिटी लेवल के सामने, आपकी जो पोजीशन है उसके सामने, जो भी आपकी अथॉरिटी है, या फिर अगर आप एक हाईएस्ट पोजीशन पर हो स्पिरिचुअली या फिर जो भी है, ये आपके सामने एक बच्चे की तरह अपने आप को ये फील करते हैं, मतलब इतना छोटा मानते हैं। यू आर दैट ग्रेट पर्सनैलिटी फॉर हिम, जिसके सामने ये खुद को एक बच्चे की तरह फील करते हैं। तो अभी ये आपको समझने के लिए इनको ग्रो होना पड़ेगा, ये भले ही स्पिरिचुअली हो या फिर अगर ये बात फाइनेंसिस की है उसकी हो, अगर ये इवन एज की भी बात है उसकी भी बात यहाँ पर आती है, तो आप इनको लेकर आगे बढ़ रहे हो, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। इंटीग्रेशन एंड द आउटसाइडर कार्ड मेरे लिए ऐसा है कि आप इस बच्चे को ग्रो कर रहे हो, भले वो प्यार के मामले में हो, ओके, कि सेल्फ लव और अनकंडीशनल लव आप इन्हें सिखा रहे हो कि देखो अगर अनकंडीशनल लव किसी से करना है तो पहले आपको खुद से प्यार करना पड़ेगा। तो आपने शायद नोटिस भी किया होगा गाइस, इनकी लाइफ में काफी सारे चेंजेस आप देख रहे हो, जैसे कि आप जिस वे में इनसे मिले थे, एक बहुत ही चिल्ड काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी, बहुत खुश रहने वाली पर्सनैलिटी, लाइफ को बहुत अच्छे से डील करने वाली पर्सनैलिटी की सूरत में आप इन्हें मिले थे, और यही सारा ट्रांसफॉर्मेशन आप इनमें देख रहे हो। ये जैसे पहले सैड हुआ करते थे या फिर अंडर कॉन्फिडेंट रहते थे, बियॉन्ड अपनी लिमिटेशन से जाकर कुछ करना वगैरह ये सब कुछ नहीं करते थे, ये अपनी एक सेल्फ क्रिएटेड बाउंड्रीज के अंदर खुद को लिमिटेड वे में रखते थे, लेकिन अब ये थोड़ा थोड़ा ग्रो हो रहे हैं, बट यहाँ पर स्टिल ये आपसे छोटे हैं। और मैं यहाँ पर लाइक गाइस एज वगैरह कुछ मैं मेंशन नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी और द पोजीशन की बात हो रही है। आप जिस पोजीशन पर हो, आप जिस लेवल पर हो, भले ये प्यार ही क्यों ना हो, आपका जो लव का लेवल है वहां पर ये अभी भी बच्चे हैं, ओके, ये उस वे में जाकर ना ही इस प्यार को अभी समझ रहे हैं, या फिर अगर समझ भी रहे हैं तो इनको लग रहा है कि मैं बहुत छोटा हूँ, मुझे आगे बढ़ने के लिए ग्रो होना पड़ेगा, ओके, उस मैच्योरिटी लेवल तक पहुंचना पड़ेगा, ओके, तो ये इनकी अभी करंट ओवरऑल एनर्जीज है। आपका जो भी ये लव शावरिंग देख रहे हैं, मे बी ही इज काइंड ऑफ कंफ्यूज्ड या फिगरिंग आउट, फीलिंग लाइक अ चाइल्ड कि मैं इतना ग्रो नहीं हुआ हूँ कि व्हाट्स गोइंग ऑन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लाइक आपकी जो एनर्जीज हैं 3D लेवल पर, ये इतनी ज़्यादा पॉजिटिव और इतनी ज़्यादा पैशनेट हैं कि ये रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे। और यहाँ पर आप 3D लेवल पर इनका कार्ड देख सकते हो आइसोलेशन, कि एक काइंड ऑफ ऐसा लाइक फील कि ये पर्सन
कैसा पर्सन है ये, मैंने इतनी सारी बाउंड्रीज बनाई, मैंने इतना अपने आप को कोल्ड रखा, फिर भी ये पर्सन रुकता ही नहीं है, अपना अनकंडीशनल लव, अपना केयर, मेरी तरफ कंसर्न ये दिखाता ही जा रहा है, जबकि मैंने इन रिटर्न इस पर्सन को कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया जिस वे में इस पर्सन ने मुझे दिया है, और वो रुकता भी नहीं है, मतलब देता ही जा रहा है। तो ये चीज़ इनके लिए एक बहुत ही भारी भरकम चीज़ है, जो कि इनको मे बी काइंड ऑफ इमोशनल बना रही है, ओके। और जो इन्होंने अपनी फीलिंग्स को बहुत ही ज़्यादा कोल्ड ऑम्बियस में रखा है, अब ये ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आइस टूट जाएगा, मतलब ये फीलिंग्स बाहर आ जाएंगी। अभी ये बर्फ के अंदर फंसी हुई है, जमी हुई है, लेकिन वो आइस ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि जब वो रोने लग जाएंगे, इमोशनल हो जाएंगे, उनको जब वो पेन फील होगा, तो एक अंदर से फायर स्टार्ट होगी, और वो फ्लेम ऑफ लव है, फ्लेम ऑफ टुगेदरनेस है, वो जब इग्नाइट हो जाएगी तो ये बर्फ पिघलेगा और इनके इमोशंस बाहर आएंगे। दैट्स व्हाट आई कुड प्रेडिक्ट फ्रॉम हियर। तो यहाँ पर प्रोजेक्शंस और एडवेंचर, ओके। तो मे बी आप दोनों एक दूसरे को टेलीपैथिकली कुछ दिखाना चाहते हो, ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ टेलीपैथिकली ही है, मे बी आप 3D लेवल पर जो दिखा रहे हो, मे बी दैट इज अनदर थिंग, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्शन के कार्ड में आप देख लो दो दो फेसेस है, जो सामने वाला फेस है वो 3D लेवल का हो सकता है, जो पीछे वाला फेस है वो 5D लेवल का हो सकता है। तो यहाँ पर मैं कहना ये चाहती हूँ, आप दोनों जो शो कर रहे हो 3D लेवल पर वो अलग ही है, वो अलग ही सिनेरियो है, बट उसके पीछे रीजन क्या है, जैसे कि समझ लो आपने इनको कुछ बियॉन्ड द लिमिट्स जाकर कुछ जेस्चर दे दिया, यानी कि आपने पास्ट वाले ग्रजेस को हटाकर आपने इनको कुछ जाकर लाइक बोल दिया या फिर कह दिया, मैसेज कर दिया, सामने से कुछ तो यू नो इनिशिएटिव अगर ले लिया आपने, तो वो इनिशिएटिव एक प्लेफुलनेस में था, फाइन। लेकिन जो आपका 5D वाला जो एक्चुअल आपकी जो पर्सनालिटी है, वो इनसे एक्चुअल में प्यार करती है, इनके लिए केयर करती है। अगर ये किसी प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी ये ग्रो हो रहे हैं, अगर जॉब की बात है यहाँ पर, बिजनेस की बात है, फाइनेंशियल करियर के बारे में बात है, यू आर जस्ट हैप्पी फॉर हिम, आप इनके लिए वो ग्रजेस बिल्कुल भी नहीं रखते। सामने से बहुत कुछ है, जैसे कि सामने आप इनसे नाराज हो, आप इनको फ्रेंड बना कर रखे हो, आपने इनके साथ वो एक बाउंड्री क्रिएट करके रखी है। मैं जानती हूँ फेमिनिन्स हाउ दे आर, ये अपने आप को टोटली ओपन करके नहीं रखेंगी, पहले मैस्कुलिन का वहां से अप्रोच देखेंगी, अगर वहां से अप्रोच पॉजिटिव आ रहा है तब थोड़ा सा ओपन होने लगेंगी, लेकिन जब मैस्कुलिन आइसोलेशन में चले गए हैं, ओके, तो हमारी फेमिनिन कैसे ओपन हो सकती है। बट इन्होंने एक बोल सकते हैं अनकंडीशनल वे पर जाकर इनसे कॉन्टैक्ट किया है, तो ऑब्वियसली एक केयरिंग है आपके अंदर, एक वो अभी भी प्यार बाकी है, और आप इनके सक्सेस से बहुत ज़्यादा खुश हो। आपके जो भी मैस्कुलिन है, हो सकता है ये किसी लेवल पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, वर्क लाइक हार्ड वर्क कर रहे हैं, करियर लेवल पर या फिर फाइनेंशियल लेवल पर ये कुछ मेहनत कर रहे हैं। अगर वो करियर या फाइनेंसेस नहीं है तो या पैशन की भी बात आती है, अगर ये किसी हॉबी में इन्वॉल्व हैं तो वहाँ पर ये एक्सेल कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें देखकर आपको बड़ी खुशी हो रही है। बट आप एक चीज़ सोच कर देखना, क्या ये खुशी आपको किसी और के लिए फील हुई थी? अब ज़रूरी नहीं कि हमारा ये लाइफ का एक ही बिल्कुल इकलौता ही रिलेशनशिप है, इससे पहले ना पास्ट में कभी कुछ रहा है ना फिर अभी करंटली कुछ रहा है, ऐसा नहीं है। सबकी लाइफ में एक से ज़्यादा भी कनेक्शन है, भले वो फ्रेंडशिप हो या फिर जो भी हो, काइंड ऑफ कनेक्शंस तो है। तो ये जो आप अपने मैस्कुलिन के लिए फील रखते हो, क्या वो कभी आपने किसी और के लिए फील किया है? जस्ट पॉज दिस वीडियो एंड थिंक अबाउट इट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, आप इनसे अनकंडीशनल वे पर जो आपको खुशी होती है इनकी सक्सेस से, हाँ, क्या ये फीलिंग किसी और के लिए है? व्हाई? बिकॉज यहाँ पर सोल का मैटर है।
आप अपनी हैप्पीनेस से जितना, मतलब आप अपनी सक्सेस से जितना खुश होते हो ना, जस्ट लाइक दैट वही यहाँ पर हो रहा है। इनकी सक्सेस माने आपकी सक्सेस, तो ये भी आपकी सक्सेस से बहुत ज्यादा खुश होते हैं, ये भी आपकी सक्सेस को इंजॉय करते हैं, इनको भी अंदर से प्राउड फील होता है जब आप कुछ एक्सेल वे में करते हो, इनको खुशी होती है। तो जस्ट लाइक दैट आपका भी यही इनके टूवर्ड्स एक ऐसा बॉन्ड है, जो कि आपने हो ना हो रियलाइज किया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि ये कनेक्शन है आप दोनों का। और यहाँ पर आपकी मैस्कुलिन एडवेंचर वाली एनर्जीज में है ये, जो भी आपका जेस्चर देख रहे हैं, आपका नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, इनको ये एडवेंचर की तरफ ले जा रहा है, यानी कि ये फाइनली आइस ब्रेक करेंगे, इनके इमोशंस फिर से जाग रहे हैं, इनका लव और इनके अंदर जो वो प्यार की फ्लेम है वो इग्नाइट हो रही है, एंड फाइनली दिस पर्सन इज लीडिंग टू सम एडवेंचर। मतलब यहाँ पर भी एक बच्चा है और ये एक एडवेंचर करने के लिए जा रहा है, इसको नहीं पता कि वेयर इट इज गोइंग एंड क्या है आगे, नहीं पता, लेकिन बस लाइट्स नजर आ रही हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली रेनबो कलर की लाइट्स नजर आ रही हैं, और वहां से उस लाइट की तरफ ये बच्चा जा रहा है। तो जस्ट लाइक दैट आपके मैस्कुलिन कुछ समझ तो नहीं पा रहे, मे बी ये इतने स्पिरिचुअली ग्रो नहीं है, तो यहाँ पर जो इनको लाइट आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ वाली नजर आ रही है उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ओके? और ये डायरेक्शन वही है जो मैंने आपको कहा, फाइनली ये अपने इमोशंस में वापस आ रहे हैं, अपने वो लव वाले जो भी इनके आपके टूवर्ड्स जो भी फीलिंग्स थी वो फिर से जाग जाएंगी, ये आइस ब्रेक हो जाएगा और फाइनली एक एडवेंचर ये कर बैठेंगे, ओके? तो दीज आर द एनर्जीज गाइज। अब देखते हैं कि व्हाट इज द ऑब्स्टिकल जो कि इनको ओवरकम करने की जरूरत है, क्योंकि आपकी तरफ से तो कोई ऑब्स्टिकल है नहीं, ओके? क्योंकि आप लोग तो अभी स्पिरिचुअली भी ग्रो हो चुके हो और फिर आप एक अनकंडीशनल लव के लेवल भी तक पहुंच चुके हो, तो इनको लाइक और ग्रो होने की जरूरत है। तो यहाँ पर शेयरिंग का कार्ड आया है गाइस, तो ऑब्स्टिकल के लिए ये कार्ड आया है, भले ये किसी भी वे में हो सकता है, लव के लेवल में भी ले लो, जो ये क्वीन ऑफर कर रही है, ओके? ये आपको ऑफर करना चाहते हैं, क्योंकि मैस्कुलिन की एनर्जी ऐसी होती है, इट शुड बी ऑन लाइक ऑलवेज ऑन अ गिविंग एंड। हाँ, जब इनको रिसीव होता रहता है ना, तो टेंशन में आ जाते हैं कि मैं कैसे रिटर्न करूं, यू नो? ये एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है मैस्कुलिन का। मैंने यही बताया है कि वो हमेशा एक गिविंग एंड पर बने रहना चाहते हैं, जब उनको उनके समझ लो उनके लिए हद से ज्यादा रिसीव होता गया तो ये टेंशन में आ जाते हैं कि रिटर्न कैसे करें। तो ये ऑब्स्टेकल है इनका, ओके? और ये आपको यही सारी चीजें रिटर्न करना चाहते हैं, अबंडेंस इन ऑल द फॉर्म्स। यहाँ पर फाइनेंशियल हो सकता है, अगर आप इनको गिफ्टिंग करते हो या फिर फाइनेंशियल वे पर जाकर अगर आप इनकी हेल्प करते हो, तो ये भले ही आपसे मतलब रिसीव करते समय लाइक हिचकिचाते भी होंगे, लेकिन इनको अंदर से अच्छा नहीं लगता है, ओके? ये मैस्कुलिन की बहुत ही प्योर फॉर्म है, कभी भी मैस्कुलिन एक लाइक रिसीविंग एंड पर नहीं रहना चाहते, तो इनको बहुत बुरा फील होता है, लेकिन आप देने से कहाँ बाज आओगे, आप तो देते ही जाओगे। तो ये इनको बहुत ज़्यादा इनका ऑब्स्टेकल है, ये यहाँ पर बहुत ज़्यादा छोटा फील करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता है, ये भी आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ये भी आपको देना चाहते हैं, जो भी आपने इन्हें दिया है, वो प्यार हो, इमोशंस हो, केयर हो, लव हो, एवरीथिंग, ओके? तो फाइनली वेयर इट इज लीडिंग मीन्स फ्लावरिंग। तो फ्लावरिंग में भी एक क्वीन है गाइस, इट विल ब्लॉसम, दिस अनकंडीशनल लव विल फाइनली विल ब्लॉसम, फाइन? यहाँ पर आप जो भी दे रहे हो, समझ लो यू आर प्लांटिंग द सीड्स। हाँ, आप एक ऐसे रिलेशनशिप की, एक ऐसे अनकंडीशनल लव की शुरुआत कर रहे हो, जो भी आपने इनको अब तक भी दिया है या फिर देते जा रहे हो या फिर आगे दोगे, फाइनली यू पीपल आर प्लांटिंग दो सीड्स। यहाँ पर द क्रिएटर वाली एनर्जी आई है, तो यू आर क्रिएटिंग समथिंग, ओके? फाइनली यू आर क्रिएटिंग अ ब्लॉसमिंग रिलेशनशिप, अ कनेक्शन जो कि मतलब ग्रो होता जाएगा, फाइन?
और फाइनली यू विल अचीव दैट अबंडेंस. जो भी आप इनसे चाहते हो, वो अनकंडीशनल लव है या फिर जो भी आप इनसे जो भी चाहते हो, फाइनली आप रिसीव करोगे. क्योंकि गाइज, ऑल ऑफ अ सडन आप लोगों का फिर से एक काइंड ऑफ अ रीयूनियन होता हुआ मुझे नजर आ रहा है. क्योंकि बहुत टाइम से डीएफ और डीएम एक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे थे. बिल्कुल भी इन लोगों की बातचीत नहीं होती थी, यहाँ तक कि स्पाई भी नहीं होता था. कोई किसी को जाकर देखता भी नहीं था कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है. बिल्कुल ही डेड पड़ा हुआ था आप लोगों का रिलेशनशिप. बट पता नहीं कुछ टाइम से, जो कि मैं रीडिंग्स बना भी रही हूँ, बहुत लोग मुझे बता भी रहे हैं कि सडनली कुछ ऐसा हुआ कि आपके मैस्कुलिन और आप फिर से एक 3D लेवल पर आप लोगों का लाइक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है. एक रीयूनियन, भले ही वो बहुत ही स्मॉलर वे पर हो, एक बहुत ही बेसिक इनिशियल वे पर हो, जैसे कि सिर्फ हाय हेलो कहना या फिर फ्रेंडशिप लेवल पर, इतना ही हो रहा है. लेकिन हो तो रहा है, ऑल ऑफ अ सडन कैसे हो रहा है? तो इट मीन्स कुछ ये इंडिकेशन है. आप लोग फिर से अपने जो भी बचे कुचे कार्मिक साइकिल्स हैं, वहाँ से जल्दी आप लोग ओवरकम करोगे. साथ, एक दूसरे के साथ मिलकर, जो भी आप दोनों की एनर्जीज हैं, आप दोनों एक ही सोल हो, तो जब आप दोनों 3D लेवल पर साथ रहोगे, आपके लाइफ की जो भी डिफ़िकल्टीज हैं वो बहुत ही फास्टेस्ट वे में वो रिजॉल्व हो जाएंगी. तो इसीलिए आप दोबारा से 3D लेवल पर फोर फ्रंट पर आए हो गाइस. तो जो भी हो रहा है, इसको एंजॉय करो, एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जीज में ही रहो. और फाइनली जो भी आप कर रहे हो, वो एक क्रिएशन है, एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की शुरुआत है, जहाँ पर आप सीड्स प्लांट कर रहे हो. ओके, और फाइनली जब सीड्स हम प्लांट करते हैं तो उसमें से कुछ तो ग्रो होगा ही. तो यहाँ पर आप एक बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हो गाइस, और फाइनली इट विल ब्लॉसम इनटू अ ब्यूटीफुल लव कनेक्शन, लव रिलेशनशिप, और यू कैन से फॉर अ लाइफ टाइम कमिटमेंट. ओके, तो फ्रॉम ऑल द पॉसिबल एंगल्स मेरे लिए ये बहुत ही पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है गाइस. मैं जानती हूँ बहुत ही डिफ़िकल्ट कनेक्शन होता है ये, और यहाँ पर कुछ भी अचीव करना बहुत मुश्किल होता है. लेकिन एक बार आपके अंदर वो अनकंडीशनैलिटी आ जाती है, मैं फेमिनेंस की बात कर रही हूँ, अगर अभी तक भी आप में वो अनकंडीशनैलिटी नहीं आई है, तो आप अपने अंदर वो लेवल लेकर आइए. फिर देखना आपकी लाइफ बहुत ही ब्यूटीफुल वे में चेंज हो जाएगी. ओके, तो जब हम किसी को चाहते हैं या फिर किसी को मांगते हैं, उसको उसके विल पर छोड़ दीजिए. ओके, वो ज़रूर कम बैक करेगा आपकी लाइफ में, क्योंकि अगर उनसे हमारा कुछ इस लाइफ टाइम में बच रहा है, वो कहीं नहीं जा सकता हमसे दूर. ऑलराइट, तो यही बेसिक मंत्रा है गाइस. आप अगर इस चीज़ को फॉलो करोगे तो आप हर चीज़ अचीव कर सकोगे अपनी लाइफ में. तो आज की रीडिंग्स में बस इतना ही था गाइस. अगर आज की ये रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है, तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए. और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशन चाहते हो, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस. तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय.